तो हेलो व्हाट्सएप गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप भी एंगुलर यूज़ कर रहे हो और बूटस्ट्रैप ने आपने इंस्टॉल किया है, बूटस्ट्रैप को अनेबल किया है और अपने फिर मैंने न्यू बार डाला है और वो अभी काम नहीं कर रहा, तो उसको काम कैसे करें। जैसे यहाँ पर मैं अपना वीएस कोड खोल के दिखाता हूँ, देखो मैंने ये डाल सका है फिर भी मेरा बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये कैसे वर्क करेगा ये सारा इस वीडियो में एंड तक चलो मैं बता दूंगा। देखो ये मेरी दूसरी टेप है, इसमें वर्क कर रहा था, ये पुरानी है तो ये मैंने वापस से अपना फिक्स करके ये सही किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा इसको फिक्स कैसे करना है। तो चलो पहले तो आपको बता दूँ आपको बूट स्टेप कैसे डालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है एंगुलर डॉट जेएसएन में, यहाँ पे स्टाइल डॉट जेएसएस में आपको ये लिखना है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीड डॉट मीन लिखा हुआ ना, इसको काट देना है सिंपली, सीएसएस इतना रहने देना है, और अपनी स्क्रिप्ट भी डालनी है और यहाँ पे उसके बाद सेव करना है। और अब उसके बाद जाना है अपने इस पर, इसको मारना है रीलोड। ये अभी भी नहीं हुआ क्योंकि अभी वापस से अपने इसको कंपाइल करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे अपने एन जी सर्व लिख देते हैं, एंटर करते हैं, इसमें कुछ टाइम लगता है 1-2 मिनट का, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, चल जाएगा। देखो ये कंपाइलर अभी तक तो हुआ नहीं, ये होने लग गया है। पहले मेरा पोर्ट ओपन है, ऑलरेडी नया पोर्ट ओपन हो रहा है, ये कंपाइलर हो गया और मैं ये नया खोल लेता हूँ। देखो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक किया, ये देखो अब मेरा वर्क करने लगे, ये पुराने वाला है ये नया वाला, अब मेरा नया बार भी आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।